आज कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय सोनिया गांधी जी से मेरी मुलाकात हुई है और बड़े विस्तार से राजस्थान के बारे में, सरकार के बारे में, संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक मैंने चर्चा करी है और जो पॉलिटिकल सिचुएशन राजस्थान के अंदर है उसके बारे में मैंने अपने पॉइंट्स रखे हैं और बड़े अच्छे माहौल में हम दोनों की मुलाकात हुई है और मुझे खुशी है कि वो लगातार कांग्रेस प्रेसिडेंट राजस्थान में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहाँ का फीडबैक ले रहे हैं, वहाँ की हमारी सरकार के काम के बारे में, हमारे संगठन के बारे में। और मुझे लगता है कि जो कमेटी आदरणीय सोनिया जी ने बनाई थी लगभग साल भर पहले, उस कमेटी का भी काम पूरा हुआ है और इस संदर्भ में जो हमारे महासचिव हैं अजय माकन जी, वो और वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव हैं, वो लगातार रिपोर्ट्स ले रहे हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि जो कुछ बातें हमने रखी थी साल भर पहले उस पर कार्रवाई करने की बात पार्टी आलाकमान भी कर रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्द इसके ऊपर निर्णय लिए जाएंगे। देखिए बीच में बहुत सारी बातें आई थी, कोरोना भी था, लॉकडाउन हो गया था, कुछ विलंब जरूर हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं जरूरत है बदलाव करने की सरकार में संगठन में, उसमें AICC और जो प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो बात कर उचित समय पर सही निर्णय लेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब 2 साल से कम का समय रहा है अगले चुनावों के लिए और हम लोग चाहते हैं कि हम पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ें, क्योंकि हमेशा राजस्थान में होता रहा है कि 5 साल सरकार कांग्रेस की रहती है, फिर 5 साल बाद भाजपा की आ जाती है और इस बार बहुत मजबूती से हम चाहते हैं संगठन को तैयार करें, वर्कर्स को मान सम्मान मिले, सबका पार्टिसिपेशन हो, सबकी भागीदारी हो, संतुलन हो, राज्य के अलग अलग हिस्सों का, सामाजिक जो हमारे तबके अलग अलग, उन सबको साथ लेकर चलें और ये परिपाटी तोड़ने का काम हम लोग करें। 23 के चुनाव के लिए अभी से हमें काम करना पड़ेगा और मैं समझता हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी 24 में होंगे तो राजस्थान में सरकार रिपीट करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि सरकार और संगठन अगर मजबूती से काम करेंगे तो अवश्य हम कर पाएंगे। ऐसा ये जो आप लोग मीडिया में बहुत लंबे समय से चल रहा है, ये फलां का ग्रुप है, ये मेरा है, ये तेरा है, हम सब कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीत के आए थे, तो ये तेरा मेरा का समय है नहीं, सब मिलकर चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि कुछ वैकेंसीज हैं प्रदेश की सरकार में, उसको भरना है और कुछ बैलेंस है उसको भी हमें सेट करना है, तो इसमें कोई तेरे मेरे की बात ही नहीं है। इसमें जो देखो अनुभव, एक्सपीरियंस, क्रेडिबिलिटी, परफॉर्मेंस, रीजनल बैलेंस, कास्ट कॉम्बिनेशन, सबको संदर्भ में रखकर पार्टी अगला निर्णय लेगी। जैसे मैंने कहा, मुझे विश्वास है सोनिया जी से आज लंबी बात हुई, अच्छी बात हुई और मुझे लगता है कि वो सारे इश्यूज को समझ रही हैं, सारे फीडबैक उनके पास जा रहा है और उचित समय पर सही निर्णय लिया जाए।